सिंगड़िया क्षेत्र में बरसों से जल जमाव से मुक्ति के लिए नगर निगम और नाला निर्माण कंपनी CNDS द्वारा तुर्रा नाले में पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का व्यवस्था किया गया। साथ ही नौसर क्षेत्र में जल जमाव से बचाने के लिए बनाए जा रहे नाली निर्माण कार्यों का नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने निरीक्षण किया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि सिंगड़िया क्षेत्र में बारिश के मौसम में बरसों से जल जमाव की स्थिति बन जाती थी, जिसको देखते हुए नाला निर्माण कंपनी के साथ पंपिंग सेट स्थापित करवा दिया गया है, जिससे पानी लगातार तुर्रा नाले में गिरता रहे। साथ ही नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नौसर क्षेत्र में बनारस रोड पर जल जमाव से मुक्ति के लिए PWD द्वारा नाले में नौसर क्षेत्र में लगने वाले जल जमाव के वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। नगर निगम का प्रयास है कि महानगर में किसी तरह से जल जमाव न होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया आपको देखो ऐसा ना कि फिर आप यहाँ कराओगे यहाँ भी विवाद होगा विवाद होगा तो हमारा कहना है कि हमको विवाद हो जहाँ यहाँ पे मेन जाना है जो है ठीक ठीक जब साला हम इतना खुदवाएंगे तो हम 500 मीटर और नहीं खुदवा सकते ठीक ठीक सर अरे पार्षद जी अपना सुनो और जैसा कि आपके संज्ञान में है कि संगड़िया क्षेत्र के तुर्रा नाला को लेकर पिछले कुछ वर्षों में भारी जल जमाव उस एरिया में होता रहा सिंगड़िया वाले क्षेत्र में, और इस बार मैंने कार्यभार ग्रहण करते मानी सबसे पहले इस समस्या को बहुत ही गंभीरतापूर्वक टेकअप करते हुए CNDS के साथ कई राउंड वहां पर लगातार निरीक्षण किया, वहां पर जाकर मौके पर देखा, चीज़ों को समझा, और कल हम लोग मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर जो CNDS की टीम ने वहाँ पर एक 7.5 HP के जो 5 पंप थे वो उन्होंने संपवेल में लगा रखे थे। इसके अलावा उन्होंने 15 HP के जो 60 HP के टोटल 4 पंप उन्होंने अलग अलग लोकेशन में रखा था, जिसका उद्देश्य था कि जो तालाब जो और इसके साथ नगर निगम के जो 3 पंप थे बड़े वाले मड पंप वो अंदर कॉलोनी में रखे थे। इसका उद्देश्य ये था कि कल जब बारिश होगी हैवी रेन्स होगी तो जो मोहल्ले में पानी भरेगा उस पानी को नगर निगम के जो पंप हैं वो सक करके उसको गिराएंगे तालाब में, और तालाब में जो पानी इकट्ठा हो जाएगा उस पानी को जो CNDS के बड़े वाले पंप लगे हैं उसको खींच कर जो आगे तुर्रा नाला है उसमें डाल देंगे, और तुर्रा नाला से होते वो पानी जंगलों में अपने मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है, और पूरी उम्मीद इस बार मुझे ये है कि हम सिंगड़िया क्षेत्र के निवासियों को इस हर बार की जो जलमग्न होने वाली समस्या है, जल प्लावन समस्या है, उससे निजात दिला देंगे। इसी प्रकार आज हम लोग नौसर क्षेत्र में भी गए हुए थे, वहाँ के पार्षद जी और अन्य लोग साथ में थे, मुख्य अभियंता साथ में थे, तो हम लोग जब वहाँ पर गए देखे समझे तो और उसमें कि जो वहाँ एक नाला जा रहा है बनारस रोड पर वो नाला थोड़ी दूर जाकर बंद हो गया था नाला, और उसके आगे उसका कोई मतलब निकासी नहीं थी और उसका पानी निकल कर वहीं आसपास भर रहा था। ये एग्जैक्ट वही जगह है जब 98 में भारी जल बारिश हुई थी और नदियों का जल स्तर बढ़ गया था, तो बंधे को तोड़ते हुए जो पेट्रोल पंप भी जहाँ पे उड़ गया था उसी जगह पर मतलब ये नाला है वहाँ ख़त्म हो गया है उसके पास। और पिछली बार जो वहाँ पर पानी जहाँ जाता इकट्ठा होता था अब की बार वहाँ के एक निजी काश्तकार ने उस पर मिट्टी डालकर उसको बराबर कर दिया है, तो अब पानी कहाँ इकट्ठा होगा, पानी की निकासी कहाँ होगी, इसको लेकर दिक्कत थी। आज उसमें हमने अपनी पूरी टीम को लेकर जो कि साइड में ही उसी तरफ में PWD ने अपना एक पक्का नाला बना रखा है जो कि सड़क के किनारे किनारे चल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत ये कई बार वो पानी उसमें मतलब बीच में छूट गया है, कहीं बना है कहीं नहीं बना है, और उसकी निकासी को लेकर समस्या है। तो काफ़ी दूर तक हम लोग गए, लगभग 1 किलोमीटर दूर वहाँ पर एक नदी बह रही है, तो ये हुआ कि इसका पानी अगर हम लोग नदी में गिरा देते हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत बड़ी मतलब समस्या से निजात मिल जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने फिर से जो है पूरी टीम को जो अभी दोपहर में भेजा है कि वो जाए वहाँ एक एक पॉइंट और देख के आए, तो इसको हम लोग इसी हिसाब से इस कच्चे नाले को भी खुदवा देंगे,
जब ये बारिश का सीजन ख़त्म हो जाएगा तब इस पर पक्का कराने की जो बात है वो फंड की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। तो अभी हम लोग तत्कालिक जो है फौरी रूप से इनको सहायता देने पर हम लोग सोच रहे हैं किस प्रकार से इनको जल प्लावन होने से बचाया जाए, पंप लगाकर वो सारा पानी खींच कर नाले का जो PWD की नाली है जो कि नाले से थोड़ी छोटी है लेकिन तब भी हमारा काम कर जाएगी, उसमें हम डाल के उस पानी को बाहर निकाल देंगे। ये पूरी प्लानिंग थी, इसी उद्देश्य से आज का निरीक्षण किया गया था।